मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के प्रचार सभा में पहुंचे गाजीपुर यूपी के सपा सांसद अफजाल अंसारी। महाराष्ट्र के असेंबली का कोई फैसला होगा, बल्कि सारे मुल्क की निगाह लगी हुई, क्योंकि आपने महाराष्ट्र की जनता ने अभी इसी 2024 में मई में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस 18वीं लोकसभा के चुनाव में एक पैगाम दिया है आपने, वो छुपा हुआ पैगाम जिसमें इस असेंबली की भी तस्वीर झलक रही है, बैकग्राउंड में झलक रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके लेफ्टिनेंटों की जिनकी सरकार है और उस वक्त भी थी, इन लोगों को इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन के लोगों को महाराष्ट्र में आधी सीटें मिली थी, 48 में आधी सीटों पर, और उनसे दो गुना सीटें आपको मिली थी, ठीक ही नहीं है तस्वीर? तो क्या परिवर्तन हो गया 4 महीने में? बस उनको भरोसा एक चीज पे है, वो एक गुजराती मॉडल है उनके पास लोगों को ठगने का, धोखा देने का, सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके किसी को झूठे केस में फंसा देने का, जेल में डालकर उसको सताने का, और तब तक सताने का जब तक कि वो नर्वस ना हो जाए। कुछ लोग हैं हौसले वाले लोग हैं जो लड़ रहे हैं आज भी, उन्हीं में से अबू आसिम आजमी है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने घुटना टेक दिया, यही लोगों ने उन्हें चुना भी था, भेजा भी था, मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन काल कोठरी की अंधेरी रात ने उनके ईमान को कमजोर कर दिया, वो घुटना निकले तो, लेकिन घुटना टेक के निकले, और निकलने के बाद उनके जिम्मे ये काम भी दे दिया गया कि तुम अपने वफादारी का इम्तहान दो। अब वो वफादारी का इम्तहान ये है कि अब उस आसिम आजमी का वोट काट करके उसको नुकसान पहुंचा दो। आए हैं कि नहीं ऐसे लोग भी चुनाव लड़ने? आए हैं, बोलिए, बोलिए जो जालिमों के सामने घुटना टेक दे, क्या आवाम का समर्थन उसको मिलना चाहिए? नहीं। पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा डरी हुई है तो इस सीट पे डरी हुई है, सबसे ज्यादा इंतजाम किया गया है, वोट की ताकत जो संविधान ने आपको दी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो संविधान जो राजा और रंग दोनों को एक वोट देने का अधिकार देता है, चालाक लोगों ने उस वोट को मिट्टी में मिलाने के लिए कई उम्मीदवार खड़े किए, यहां तो दो दो मशीनें आएंगी, पता है कि नहीं पता है? एक मशीन में वो लंबी कतार, और ये कौन लोग हैं इस कतार में? आधे से ज्यादा वही लोग हैं जो कटवा है, कौन कौन लोग हैं जो वोट बर्बाद करना चाहते हैं? शायद कोई नहीं होगा, आप इससे सावधान रहिएगा, और कुछ भी नहीं है, यहां सब नर्वस हैं, इनको नर्वस कर दिया है महाराष्ट्र की जनता ने, ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग, तोड़ फोड़ और पैसे से खरीद फरोख्त करने वाले लोग, एमएलए खरीदे गए महाराष्ट्र के, सारी दुनिया देख रही थी, एमएलए बकरीद के जमाने में बकरी की नीलामी होती थी, महाराष्ट्र में एमएलए नीलाम हुए, यही गुजराती मॉडल है। तो एक तरफ लोगों का ईमान खरीदने वाले लोग हैं, लोगों को झूठा मामले में फंसा करके उनको सताने वाले लोग हैं, और महाराष्ट्र के तरक्की के वो तमाम साधन उसको महाराष्ट्र से ट्रांसफर करके गुजरात ले जाने वाले लोग हैं, बहुत सी परियोजनाएं चली गई गुजरात, ऐसे लोगों को जो खुद बुरी तरह से आपस में विभाजित हैं,
कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई नारा देकर जाता है पटोगे तो कटोगे, कोई कहता नहीं ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। सुना कि नहीं आपने? तो ये आपस में भी मतभेद है इनके, ये बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता को मैं सलूट करता हूं, महाराष्ट्र की जनता को मैं सलाम करता हूं, उसके फैसले को सलूट करता हूं। अगर महाराष्ट्र की जनता ने इनका बोरिया बिस्तर, इन फिरका परस्त ताकतों का बोरिया बिस्तर महाराष्ट्र में बांध दिया, तो यकीन मानिए आपका ये फैसला इन फिरका परस्त ताकतों के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा और हिंदुस्तान की सियासत में इसकी विदाई हो जाएगी। इसलिए बहुत टाइम है। तो बात तो मैं अपनी कह चुका हूं और आपके रुझान से भी मुझे एहसास है इस बात का।